फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है गजानन। हम यहाँ पर रीट के लिए साइंस विज्ञान पढ़ रहे थे और विज्ञान में हमने सबसे पहले शुरू किया था भौतिक विज्ञान, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां CGS, FPS, MKS और SI पद्धतियां हमने पढ़ ली थी। SI पद्धति में जो 7 मात्रक थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक राशियों की विमाएं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में किसी ना किसी भौतिक राशि की एक विमाएं जरूर से पूछी जाती है। तो कल हमने पढ़ा था SI पद्धति हमने पढ़ा था। SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां थी। 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी थी? पहली थी द्रव्यमान और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए हम कैपिटल M का उपयोग करेंगे। याद रखना, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए हम कैपिटल M का प्रयोग करेंगे। दूसरा है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लेंथ बोलते हैं तो जहां पे भी लंबाई आएगी, मीटर्स आएगा या फिर किलोमीटर आएगा, दूरी आएगी, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? एल। तीसरा समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसलिए समय की विमा लिखते समय हम कैपिटल टी का उपयोग करेंगे। फिर चौथा था विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो है हम मापते हैं एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं लेकिन मापते किसमें? एम्पियर में। तो एम्पियर कहां से शुरू हो रहा है? कैपिटल ए से। तो एम्पियर के लिए लेंगे कैपिटल ए। विद्युत धारा के लिए विमा लिखते समय हम कैपिटल ए का उपयोग करेंगे। पांचवा तापमान। तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैपिटल टी से शुरू होता है, कैपिटल टी हमने पहले ले लिया, इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम किसमें दिखाते हैं? केल्विन में, और केल्विन का लेते हैं हम कैपिटल के। छठा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हम लिखेंगे मोल में। और सातवां प्रकाश की प्रदीप्तता। प्रकाश की प्रदीप्तता, तो प्रकाश की प्रदीप्तता लिखेंगे हम कैंडेला। तो देखिए, अभी जब हम विमाएं लिखेंगे तो इसी शब्दों में लिखते हैं MLTAK। अब वो आए कहां से हैं वो आपको समझा दिए हैं, कंफ्यूजन होने की कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं और पहले तो देखते हैं कि विमाएं क्या होती है, विमा होती क्या है। तो जैसे कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, जैसे बल है, कोई भौतिक राशि बल है और बल का तो सूत्र होता है, वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक तो होता है केजी, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी भौतिक राशि है उसके मात्रक हो गया, जैसे बल हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी भौतिक राशि होगी उसको हम जो SI में अभी हमने जो लिखा है MLT मूल मात्रकों में लिखते हैं। तो मूल मात्रक हो गए MLT। कोई भी भौतिक राशि है उसको SI पद्धति का उपयोग करते हुए मूल मात्रकों में हम लिखते हैं। मूल मात्रक अभी हमने 7 आपको बताए हैं, पिछले वाले वीडियोस में भी बताए हैं। तो ये कोई 3 मूल मात्रक हो गए, जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। इन पे हम लगाते हैं घाते ABC। M के ऊपर A लगा दिया, L के ऊपर B लगा दिया, T के ऊपर C लगा दिया। तो ये जो घाते लगाई गई है, इन घातों को इस भौतिक राशि की क्या कहेंगे? विमा कहेंगे। जैसे बल की विमा के लिए अब मैंने बताया द्रव्यमान, द्रव्य
किलोग्राम। तो द्रव्यमान के लिए हम मास लिखेंगे और मास पर क्या है ए, इसी के ऊपर घात नहीं लिखेंगे तो कितनी ले लेते हैं ए। लंबाई मीटर, मीटर के लिए हम लंबाई लेंगे तो यहाँ पर कितनी है ए। समय, समय के लिए ले लेंगे, ये ऊपर जाकर एस की घात माइनस दो जाएगा तो माइनस, तो ये बीमा हो जाएगी। ए की जगह ए आ जाएगा, बी की जगह एक आ जाएगा, ई की जगह सी की जगह माइनस दो आ जाएगा। तो परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, कोई भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए जो उनपे घाते लगाई जाती है उनको उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। थोड़ा टॉपिक हार्ड है लेकिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बिल्कुल इजी टॉपिक लगेगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किन्हीं किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को के मात्रकों को, मात्रकों को मूल मात्रकों में, मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घाते लगाई जाती है, मूल मात्रकों पर जो घाते लगाई जाती है तो उन घातों को, उन लगाई गई घातों को, लगाई गई घातों को, घातों को उस भौतिक राशि, उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं, विमा कहते हैं। तो जैसे कि कोई भौतिक राशि क्यों है, इसके मूल मात्रक, मूल मात्रक हमेशा याद रखने चाहिए, विज्ञान में सात मूल मात्रक हैं जो अभी हमने लिखे थे, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो किसी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए, तो ये हमने मूल मात्रकों में व्यक्त किया, इन पे जो घाते लगाई गई हैं उन घातों को क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। परिभाषा नहीं की जा सकती फिर भी हमें लिख लेना है ताकि हमें किसी भी एग्जाम में या फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहे। अब हम देखते हैं कि विमाएं लिखी कैसे जाती हैं, बिल्कुल सरल तरीका है, 10-12 उदाहरण कर लेंगे तो एकदम हमें याद हो जाएगा। तो इधर तो हम लिखते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि, यहां पर हम लिख लेते हैं उस भौतिक राशि का सूत्र, यहां पर हम लिख लेते हैं मात्रक, मूल मात्रक, क्योंकि हमें हमेशा जो विमाएं हैं वो मूल मात्रकों में ही लिखी जाएगी, ठीक है। और यहां पे लिख लेते हैं हम विमा, उस भौतिक राशि की विमा। तो जिसे सबसे पहले हम लिखते हैं द्रव्यमान, सबसे पहले कौन सी भौतिक राशि थी, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किसमें दिखाते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। अब द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, जो जैसा कि मैंने बताया। और विमा लिखते हुए हम द्रव्यमान के लिए क्या उपयोग करेंगे, मास। अब इसकी विमा हमें लिखनी है मूल मात्रक है केजी, केजी के ऊपर घात कितनी लगी हुई है एक, तो इसकी विमा कितनी जाएगी एक। हमेशा बड़े कोष्ठक में ही विमा लिखी जाएगी, तो एम की घात एक, तो एक क्या हो गई, द्रव्यमान की विमा हो गई। दूसरा हम कहते हैं लंबाई, लंबाई को हम इसमें बताते हैं, लंबाई का मूल मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, और लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम लेंथ। पेन को भी साथ रखिए, उतारते जाइए, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ एल, और घात कितनी है एक, तो एल वन। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मूल मात्रा है मीटर, चौड़ाई भी क्या है दूरी, और चौड़ाई का भी मूल मात्रा क्या हो जाएगा मीटर। जब घाते समान होती है तो जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, तो आयन की घात दो। अब क्षेत्रफल में क्या रहा है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई ही आ रही है तो लंबाई को किससे व्यक्त करेंगे एल से, एल के ऊपर घाते कितनी लग जाएगी दो। आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई को किसमें नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को किसमें नापते हैं मीटर में, ऊंचाई को किसमें नापते हैं मीटर में। तो जब आधार समान होता है घाते जुड़ती हैं, एक 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 एम की घात एक प्लस एक प्लस एक कितनी होगी तीन। अब एम आ रहा है, एम किसको व्यक्त करता है, एम व्यक्त करता है लंबाई को, लंबाई के लिए किसकी विमा आएगी एल, तो एल लिख लेते हैं यहाँ पे कितनी घात चल रही है तीन, तो ये सूत्र विमा होगी इसकी। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, समय, समय को किसमें व्यक्त करते हैं, समय को हम व्यक्त करते हैं टी में व्यक्त करते हैं, और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टाइम, टाइम बोलते हैं। इसकी टी उपयोग में लेंगे, जैसा मैंने बताया था टी उपयोग में लेंगे तो कितना आ रहा है एक आ रहा है। अब जैसे लेते हैं चाल, चाल बराबर चाल का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा समय। देखिए जितने भी विमाएं हैं वो आपको मैं बता दूंगा वन बाय वन, आप भी घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा, कहीं पे भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब दूरी, दूरी यानी लेंथ लंबाई, और लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है मीटर, मूल मात्रक हो गया मीटर। सात मूल मात्रक में बोलता हुआ बार बार सात मूल मात्रक हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, दूरी का मीटर समय का सेकंड। तो सूत्र हो गया मीटर, ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो सेकंड की घात माइनस एक। अब हमें पता है जहां मीटर आ गया, मीटर लंबाई लेंथ एल लेंगे तो एल, समय के लिए क्या लेंगे टी, अब लंबाई पर घात कितनी है एक, समय पर घात कितनी है माइनस एक, तो ये एल वन टी माइनस वन चाल की क्या हो गई विमा हो गई। अगला बता, अगला लेते हैं त्वरण, त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटा समय, त्वरण होता है वेग बटा समय, और वेग क्या होता है वेग होता है विस्थापन बटा समय, बटा समय। तो विस्थापन और समय नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा विस्थापन बटा समय स्क्वायर। अब विस्थापन क्या होता है, तरीके से दूरी होती है विस्थापन सदिश राशि दूरी बस क्या है सदिश राशि, लेकिन मात्रक विस्थापन को किसमें नापते हैं मीटर में, समय को किसमें नापते हैं सेकंड में, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह भी आ गई स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर सेकंड माइनस टू। अब विमा में लिखनी है तो मीटर, मीटर लेंथ एल, समय, समय टाइम टी, इसकी घात एक है और इसकी घात माइनस दो है, ये त्वरण की विमा हो गई। त्वरण के बाद में अभी हमने लिखा था बल, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किसमें दिखाते हैं केजी में, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अच्छे से लिखेंगे तो केजी मीटर सेकंड माइनस टू। अब केजी आएगा तो केजी किसको बताता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, मास की विमा कैपिटल एम, समय ये है दूरी एल, समय टी।
अब केजी कितना है? एक। समय ये दूरी कितनी है? एक। समय पर घात कितनी लगती है? माइनस दो। तो ये हो गई बल की विमा। तो ये कुछ एक विमाएं हैं जो कि मैंने बताई है। अब हम बात करते हैं जिसे कुछ एक विमाहीन राशियां भी होती है। विमाहीन राशियां जैसे कि कोण बराबर, कोण का विषय है, तो कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। तो कोई भी जैसे वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये तो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। चाप क्या होती है? जैसे यहां से यहां तक हम कितनी दूरी पर आए, ये क्या हो जाएगी? चाप। अब चाप क्या हो गई? एक तरीके से दूरी हो गई। तो दूरी हम किसी में लेंगे? मीटर में। त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या भी हम किसी में लेंगे? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कोण की कोई भी विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि है। विमाहीन कोण जो है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से विमाहीन राशि कौन सी है? चार ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन कोण दे देगा। तो कोण क्या है? विमाहीन राशि है। ये याद रखना है, कोई भी अनुपात, कोई भी अनुपात जो आएगा, अनुपात की भी विमाहीन ही होगा। एक आता है विकृति, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विकृति की विमा क्या होती है। तो विकृति क्या होता है? जैसे ये कोई तार है, ठीक है, इसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है। अब हमने यहाँ पर कोई भार लगाया, अगर हमें कोई तार है जैसे लटका रखा, उस तार के नीचे भार लगाएंगे तो तार की लंबाई थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये तार की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई। तो विकृति का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। भी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और बटा प्रारंभिक लंबाई। अब माना कि लंबाई में 2 सेंटीमीटर परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं हुआ। तो विकृति भी क्या होगी? विमाहीन राशि होगी। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से विमाहीन राशि कौन सी है, युग्म बना के दे देते हैं। तो एक ये टॉपिक को ऐसा कर लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो हमें निश्चित ही करें। देखिए सिलेबस बड़ा है, पूरा सिलेबस करने की मत सोचिए, इतना सोचिए कि अगर एक टॉपिक हमने पढ़ा तो वो ऐसा पढ़ा कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ आज का इतना ही, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे सदिश व अदिश राशियां। आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तैयारी कीजिए, रक्त हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ के मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।